अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, आई एम वाजिद अली कंबो, केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर चैप्टर 1। और आज उसका टॉपिक जो हम पढ़ रहे हैं वो है एटम, और फिर बाद में हम पढ़ेंगे एविडेंस ऑफ एटम। एटम से रिलेटेड जो जो चीजें हमने डिस्कस करनी है, आइए जरा उनको देखते हैं। एटम में जो जो चीजें हमने डिस्कस करनी है, इसमें सबसे पहले मैं आपको एटम के मीनिंग्स, उसके बाद हम इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे, फिर हम ना सब एटॉमिक पार्टिकल्स, सब एटॉमिक पार्टिकल्स इनको स्टडी करेंगे। स्टूडेंट इसमें कुछ टर्म्स होती हैं जैसे कि एटॉमिक नंबर है, मैस नंबर है, वो आप ना पिछली क्लासेस में 9th में पढ़ के आते हैं, लेकिन उनको याद रखना जरूरी है। मीनिंग्स भी हैं। एटम के मीनिंग्स को मैं 2 तरह से डिस्कस करूंगा। The word atom is derived from Greek word atomos, which means indivisible. Indivisible मतलब नाकाबिले तकसीम, ऐसा पार्टिकल जिसको मजीद डिवाइड ना कर सके। ग्रीक फिलोसफर जिसमें डेमोक्रेटस का नाम है, उनका ख्याल था कि जब आप किसी मैटर को डिवाइड करते जाते हैं, रीडिवाइड करते हैं, करते करते उसका एंड पे एक ऐसा पार्टिकल बचता है जिसको हम मजीद डिवाइड नहीं कर सकते। ग्रीक्स ने उस पार्टिकल को एटम का नाम दिया। एक और चीज, ये जो एटम है ना, एक्चुअली ये आ और टॉमी से निकाला गया। आ मीन नॉट, टॉमी मीन टू कट। इसका मानी भी वही बने, ये वो पार्टिकल जिसको आप काट नहीं सकते, डिवाइड नहीं कर सकते। स्टूडेंट ये ना एटम के जस्ट मीनिंग है, ये ग्रीक फिलोसफर उनका अपना ख्याल है। मौजूदा साइंस कहती है एटम इज डिविजिबल, जैसे द डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स, इस तरह रेडियो एक्टिविटी है, फिशन है, ऑल दीज प्रोसेसेस हमें क्या बताते हैं कि एटम को आप फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन मीनिंग्स क्या है कि एटम इज इनडिविजिबल, आप इसको मजीद डिवाइड नहीं कर सकते, और इसके ये जो मीनिंग्स हैं ये ग्रीक फिलोसफर ने हमें बताया। डेफिनेशन पे आए, मैं एटम की डेफिनेशन 2 तरह से करूंगा। पहली डेफिनेशन, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, the smallest particle of an element which take part in a chemical reaction is called an atom. 2 बातें डेफिनेशन के 2 हिस्से हैं। The smallest particle of an element, it means elements are made up of atoms. Periodic table में more than 112 elements हैं, और हर एक element जो है वो atom से मिलकर बना है। तो element का smallest particle atom, आगे चल के हम पढ़ेंगे molecular compound का smallest particle molecule, ionic compound का smallest particle formula unit, ionic species का smallest particle ions। तो element का smallest particle atom। दूसरा डेफिनेशन का हिस्सा, विच टेक पार्ट्स इन अ केमिकल रिएक्शन, इसका मतलब हुआ कि एटम्स जो हैं वो केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं। स्टूडेंट केमिकल रिएक्शन में हम कहते हैं केमिकल रिएक्शंस आर एक्चुअली द कन्वर्जन ऑफ रिएक्टेंट्स इनटू प्रोडक्ट्स। रिएक्टेंट्स का प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना, दैट इज द केमिकल रिएक्शन। कैसे कन्वर्ट होते हैं? इन रिएक्टेंट्स देयर इज द ब्रेकेज ऑफ बॉन्ड्स, एंड इन प्रोडक्ट्स देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड्स। बॉन्ड्स किनके दरमियान? एटम्स के दरमियान। तो एटम्स के दरमियान रिएक्टेंट्स में बॉन्ड की ब्रेकेज हुई, और प्रोडक्ट में एटम्स के दरमियान बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई। तो हम क्या कहेंगे कि ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन देयर इज ब्रेकेज ऑफ बॉन्ड इन रिएक्टेंट्स व्हाइल देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड्स इन प्रोडक्ट्स। अब कौन चीज इन्वॉल्व है? कौन प्लेयर हैं केमिकल रिएक्शन के, कौन हिस्सा ले रहे हैं केमिकल रिएक्शन में। एटम्स, एटम्स के दरमियान बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं, एटम्स के दरमियान बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है। तो एक्चुअली एटम्स दे आर द पार्टिकल विच टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। एक और भी बात, रिएक्शंस दो तरह के हम जनरली पढ़ेंगे, एक केमिकल रिएक्शन और एक न्यूक्लियर रिएक्शन। अगर मैं कहूं कि दोनों में डिफरेंस क्या है तो वेरी सिंपल, इन केमिकल रिएक्शन देयर इज द लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, व्हाइल इन न्यूक्लियर रिएक्शन देयर इज द डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर। तो मैं केमिकल रिएक्शन की बात कर रहा हूं और केमिकल रिएक्शन में जो चीज इन्वॉल्व होती है दे आर एक्चुअली द एटम्स। तो हमारी डेफिनेशन मुकम्मल हो गई, the smallest particle of an element which take part in a chemical reaction that is called an atom. Examples में आए, examples में मेरे पास हैं H, Na, Fe, Mg, Cl and many more। इनके साथ ही साथ मेरे पास है हीलियम, He, Ne, Ar, Kr, Xe and many more। स्टूडेंट एग्जाम्पल्स में ना एक्चुअली मैंने आपको एटम की एक और डेफिनेशन समझा दी। एटम की दूसरी डेफिनेशन क्या है? द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट विच मे और मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। दूसरी डेफिनेशन द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट, वही बात जो ऊपर हमने पढ़ी, लेकिन which may or may not exist independently, यानी कुछ एटम्स हैं जो इंडिपेंडेंटली, जो फ्रीली एग्जिस्ट करते हैं और कुछ एटम ऐसे हैं जो इंडिपेंडेंटली, जो फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करते। जैसे कि ये जो मैंने एटम्स लिखे हैं, हाइड्रोजन के एटम, सोडियम का, आयरन का, मैग्नीशियम का, क्लोरीन का, दे डू नॉट एग्जिस्ट फ्रीली। और ये जो मैंने एटम्स लिखे हैं, नोबल गैसेस के एटम, दे एग्जिस्ट फ्रीली, यानी आपको नेचर में नोबल गैस के एटम इंडिपेंडेंटली, किसी और से बॉन्ड बनाए बगैर आपको इंडिपेंडेंटली मिल सकता है, लेकिन नोबल गैसेस से हटकर बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके एटम आपको इंडिपेंडेंटली फ्रीली नहीं मिलेगा, वो किसी और के साथ बॉन्ड बना के फिर ही एग्जिस्ट करता है। ऐसा क्यों है? नोबल गैसेस के एटम इंडिपेंडेंटली क्यों एग्जिस्ट करते हैं और बाकी जो एलिमेंट्स हैं अदर देन नोबल गैसेस, उनके एटम इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट क्यों नहीं करते? वेरी सिंपल, नोबल गैसेस के एटम में जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है वो स्टेबल है। ड्यू टू देयर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, आप वो ऑक्टेट रूल और ड्यूप्लेट रूल पढ़ते हैं, तो ड्यू टू देयर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन द एटम्स ऑफ नोबल गैसेस एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, और बाकी जो एलिमेंट्स हैं उनके एटम चूंकि उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल नहीं होती, लिहाजा वो फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करते। स्टूडेंट, यहां मैं आपको एक अहम पॉइंट बताना चाह रहा हूं। जब मैं लिखता हूं H, ये दो चीजों को जाहिर करता है। एक ये हमें बताता है दिस वन इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एटम ऑफ हाइड्रोजन। अगर मैं आपसे कहूं ना कि हाइड्रोजन का एक एटम लिखो तो आप H लिखेंगे। साथ ही साथ H इज अ सिंबल ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन इज द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल, और अगर हम हाइड्रोजन का सिंबल लिखेंगे तो हम H लिखेंगे। सिमिलरली जब मैं Fe लिखता हूं तो ये दो चीजों को जाहिर कर रहे हैं। Fe रिप्रेजेंट्स एन एटम ऑफ आयरन, सिमिलरली Fe इज द सिंबल ऑफ आयरन। इसके बाद हम चलते हैं, हमारे पास है सब एटॉमिक पार्टिकल्स। स्टूडेंट, सब एटॉमिक पार्टिकल्स को पढ़ने से पहले आइए मैं आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में कुछ बताना चाह रहा हूं। एटॉमिक स्ट्रक्चर में मेरे पास ये एक डायग्राम है। This one is the smallest center of the atom. This one is called the nucleus. और आप जानते हैं पिछली क्लासेस में आपने पढ़ा है कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौजूद हैं और ये इसके गिर्द ये सफेरिकल और सर्कुलर पाथ हैं, दीज आर कॉल्ड द शेल्स। हम इनको शेल्स कहेंगे, हम इनको ऑर्बिट्स कहेंगे, और इनमें इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। तो इसका मतलब हुआ एटॉमिक स्ट्रक्चर के दो हिस्से आ गए, द सेंटर पॉइंट, द सेंटर वन इज द न्यूक्लियस, और उसके बाहर ये जो सर्कुलर या स्फेरिकल पार्ट्स है जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, दे आर कॉल्ड द एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। तो न्यूक्लियस में देयर रिजाइड द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, और इसके बाहर जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं। एक और भी बात इनमें रखनी है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, हम इन तीनों को कहते हैं दीज आर फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एन एटम। इन तीनों के अलावा more than 100 subatomic particles, they are also present in an atom. सबएटॉमिक पार्टिकल मैं इनको दो हिस्सों में डिवाइड करता हूं। एक पहले मेरे पास आ गया स्टेबल पार्टिकल, और दूसरा मेरे पास आ गया अनस्टेबल पार्टिकल। एटम के अंदर मौजूद पार्टिकल्स को मैं दो हिस्सों में कैटेगराइज करता हूं। स्टेबल पार्टिकल में मैं लेता हूं प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दे रिजाइड इन द न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन दे रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं, और इन तीनों पार्टिकल्स को हम कहते हैं दीज आर फंडामेंटल पार्टिकल्स, दे आर स्टेबल पार्टिकल्स। अनस्टेबल पार्टिकल्स मैंने आपसे पहले भी कहा कि एटम में इन तीन पार्टिकल्स के अलावा मोर देन 100 सब एटॉमिक पार्टिकल्स मौजूद हैं, और मोस्टली उनमें जो है दे रिसाइड इन द न्यूक्लियस। इनमें मेसॉन, बोसॉन, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, एंटी प्रोटॉन एंड मेनी मोर, ऑल दीज आर कॉल्ड सब एटॉमिक पार्टिकल्स एंड दे आर अनस्टेबल, और इनमें ज्यादातर जो है दे रिजाइड इन द न्यूक्लियस। स्टूडेंट, ये तमाम की तमाम बातें हम एटम के बारे में पढ़ते हैं। मैंने पहले भी आपसे जिक्र किया कि एटम के बारे में हम कुछ टर्मिनोलॉजीज और भी यूज करते हैं, जैसे एटॉमिक नंबर है, जैसे मास नंबर है, एटॉमिक मास है, रिलेटिव एटॉमिक मास है। इनमें से ज्यादातर चीजें आप ना अपनी प्रीवियस क्लासेज यानी 9th और 10th में पढ़ के आते हैं। आज का जो दूसरा हमारा टॉपिक है दैट इज द एविडेंस ऑफ एटम्स। एविडेंस, शहादत, गवाही। क्या एटम के वजूद की कोई एविडेंस है? क्या एटम अपना वजूद रखता है, या ये एक थ्योरेटिकल बात है? प्रैक्टिकली इसका कोई सबूत है? स्टूडेंट, इसको पढ़ने के लिए ना मैं टेक्स्ट बुक की एक लाइन वो आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। हमारे टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है, it is not possible actually to see the atoms. But the nearest possibility to its direct evidence is by using an electron microscope. It is not possible actually to see an atom. हकीकत में एटम को देखना मुमकिन नहीं है, लेकिन हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को यूज करके इसकी कोई नियरेस्ट पॉसिबिलिटी बना सकते हैं कि इसको देखा जा सके। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से कुछ ना कुछ आपको एविडेंस मिलते हैं एटम के। जरा ना इसका बेसिक नॉलेज उसकी तरफ आए कि किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए बेसिक फिनोमिनन क्या है, किस किस्म की रेडिएशन हम इस्तेमाल करें कि हम ऑब्जेक्ट को देख सकें। आइए इसके लिए ना मैं कुछ बातें आपको समझाता हूं। स्टूडेंट मेरे पास ये एक ऑब्जेक्ट है, सपोज इसका जो डायामीटर है, इसका जो साइज है वो है 2 नैनोमीटर. द साइज ऑफ द डायामीटर ऑफ दिस ऑब्जेक्ट इज 2 नैनोमीटर. अच्छा, इस ऑब्जेक्ट को देखने के लिए ना मैं दो किस्म की रेडिएशन इस्तेमाल करता हूँ. ये जो मैं पहली रेडिएशन इस्तेमाल कर रहा हूँ ना, इसकी वेवलेंथ 5 नैनोमीटर है. आई मीन द वेवलेंथ ऑफ दिस रेडिएशन is greater than the size of the object. Object का size 2 नैनोमीटर और ये जो रेडिएशन यूज कर रहा हूं इसकी वेव लेंथ 5 नैनोमीटर. इसका मतलब अब ये देखिए, ये जो रेडिएशन है ये इस ऑब्जेक्ट को इससे रिफ्लेक्ट हुए बगैर आगे गुजर. जब ये रिफ्लेक्ट नहीं होगी, जब हमारी आंख तक नहीं पहुंचेगी, जब इंस्ट्रूमेंट तक नहीं पहुंचेगी, हम इस ऑब्जेक्ट को नहीं देख सकते. इससे क्या पता चला? इससे यह पता चला कि अगर रेडिएशन की वेवलेंथ ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ी होगी तो फिर हम उस रेडिएशन से ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व नहीं कर सकते. ये दूसरी किस्म की रेडिएशन देखें, इस रेडिएशन की वेवलेंथ 2 नैनोमीटर से कम है और जब आप इस रेडिएशन को इस ऑब्जेक्ट पे थ्रो करेंगे ये इस ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होके इंस्ट्रूमेंट में आएगी और आप इस ऑब्जेक्ट को ईजिली ऑब्जर्व कर सकेंगे. तो हमारे पास बेसिक नॉलेज क्या आया? अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को देखना चाहते हैं तो आप ऐसी रेडिएशन इस्तेमाल करें जिसकी वेवलेंथ उस ऑब्जेक्ट के साइज के कंपेरेबल या उससे छोटी हो. अगर ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ी रेडिएशन वेवलेंथ वाले रेडिएशन यूज करेंगे तो आप उस ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व नहीं कर सकते. अब आप इससे देखें, हम ना आमतौर पर ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप के अंदर विजिबल लाइट यूज करते हैं. तो अब विजिबल लाइट जो है उसकी जो वेवलेंथ जो रैंडमली हम लेते हैं वो रफली 500 नैनोमीटर. तो इसका मतलब है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट का साइज 500 नैनोमीटर से कम होगा तो आप उसको ऑर्डिनरी ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व नहीं कर सकते. जरा आइए, ये पहली बात क्लियर होगी कि हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप उससे किसी भी एटम या एटम जैसी चीजों को ऑब्जर्व कर सकते हैं, लेकिन हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से यूज. अब जरा देख लें, इसमें ऑर्डिनरी ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप. अब ये जो ऑर्डिनरी ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप है ना, इसमें जो लाइट है ना, लाइट is used as a source of illumination. लाइट की मदद से लाइट को हम फाल करवाते हैं और फिर लाइट की मदद से किसी भी ऑब्जेक्ट को देखते हैं. एन एक्यूरेट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, अगर हम कहें कि अगर किसी ऑब्जेक्ट का साइज 500 नैनोमीटर और अबव हो तो हम ऐसे ऑब्जेक्ट को ऑर्डिनरी ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व कर सकते हैं, लेकिन अगर किसी ऑब्जेक्ट का डायामीटर साइज 500 नैनोमीटर से कम हो, यानी अगर किसी ऑब्जेक्ट का साइज 450 नैनोमीटर हो तो हम उस ऑब्जेक्ट को ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप से उसका साइज मेजर नहीं कर सकते, उसको हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते. इसके बरक्स हम इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. अब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन. बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसमें लाइट कंसिस्ट ऑफ फोटॉन्स और इन फोटॉन लाइट के फोटॉन्स की वेवलेंथ बहुत बड़ी. इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन और इनकी वेवलेंथ उससे बहुत 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 छोटी. जितनी रेडिएशन की वेवलेंथ छोटी होगी उतने आप छोटे से छोटे ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर सकते हैं. हमारे पास ये एक ना फोटोग्राफ है जो हमने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से लिया. ये अ पीस ऑफ ग्रेफाइट है और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ने इस ग्रेफाइट के पीस को 15 मिलियन टाइम मैग्नीफाई किया है. 15 मिलियन टाइम्स यानी 1,50,00,000 गुना बड़ा करके दिखा रहा है. और हमारे इस फोटोग्राफ में अगर आप देखेंगे तो इसमें दो किस्म के बैंड्स हैं, ब्राइट बैंड्स which are actually the layers of carbon atoms. और बीच में ये dark space है, dark bands है, they are actually the space between two layers of carbon atom. तो हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जिसमें बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज हो रही है, इससे एटम जैसी छोटी से छोटी चीजों को ऑब्जर्व कर सकते हैं, लेकिन ये जो ऑप्टिकल ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप है इसकी मदद से हम एटम को नहीं देख सकते। स्टूडेंट इसके बाद हम चलते हैं एविडेंस ऑफ एटम में। हमारे पास है साइजेस और डायमीटर्स of atoms, sizes or diameter of atoms. मेरे पास ना ये एटम है, ये उसका न्यूक्लियस है। स्टूडेंट यहां से लेकर आप सेंटर को पास करते जाए यहां तक, दिस वन इज द डायमीटर, इसे मैं कहूंगा डायमीटर या मैं इसे कहूंगा साइज ऑफ एटम। और अगर मैं यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस लूं ये वाला, तो इसे मैं कहूंगा दिस वन इज द रेडियस, रेडियस ऑफ एटम। यानी अगर आप डायमीटर का हाफ करेंगे तो वो रेडियस कहलाएगा। 20th सेंचुरी में एक्सरेज एनालिसिस की मदद से साइंटिस्ट ने एटम्स के डायमीटर साइजेस को मालूम किया, और जो रेंज आई वो हमारे पास है 2 × 10⁻⁻⁻ मीटर। द साइजेस द डायमीटर ऑफ एटम्स आर इन द ऑर्डर ऑफ 2 × 10⁻⁻ मीटर। ये तो मीटर में है ना। अगर मैं इसको एंगस्ट्रम में ले जाना चाहूं या इसको मैं नैनोमीटर में ले जाना चाहूं, तो हम जानते हैं कि 10⁻⁻ मीटर दैट इज इक्वल टू 1 एंगस्ट्रम। ये पहली बात आपने ध्यान में रखनी, ये आगे भी काम देगी। तो जहां पे 10⁻⁻ मीटर लिखा हुआ है यहां पे मैं एंगस्ट्रम, तो मेरे पास ये बन गया 2 एंगस्ट्रम। इसी तरह हम जानते हैं कि 10⁻⁹ मीटर दैट इज इक्वल टू 1 नैनोमीटर। तो ये भी कन्वर्जन यूनिट आपको आना चाहिए। तो अगर मैं 0.2 करूं, 0.2 और ये 10⁻⁹ हो जाएगा, तो मैं इसको लिख सकूंगा 0.2 नैनोमीटर। इसका मतलब हुआ 20th सेंचुरी में एक्स रे स्टडी की मदद से जो हमने साइजेस ऑफ एटम्स मालूम किए वो है 2 × 10⁻⁹ मीटर या 2 एंगस्ट्रम या 0.2 नैनोमीटर। ये वैल्यूज आपको आनी चाहिए। स्टूडेंट ये तो आपके पास आ गया साइजेस और डायमीटर ऑफ एटम्स। अगर मैं आपसे रेडियस ऑफ एटम की बात करूं कि एटम का जो रेडियस वो क्या होगा, तो आप क्या करेंगे, आप रेडियस क्या होता है, हाफ ऑफ द डायमीटर, तो आप क्या करेंगे, आप ये जो वैल्यूज लिए इसका हाफ कर देंगे। तो हमारे पास आ जाएगा 1 × 10⁻⁻ मीटर या 1 एंगस्ट्रम या आपके पास 0.1 नैनोमीटर। ये जो मैंने आपको रेडियस की वैल्यूज दी है ना, ये अक्सर एग्जाम में बतौर MCQ पूछा जाता है। तो डायमीटर भी आपको आना चाहिए और रेडियस भी आना चाहिए। इसके बाद हम बढ़ते हैं और हमारे पास है मैसेज ऑफ एटम्स। ये हम ऑन एवरेज बात कर रहे हैं। वैसे तो आप हाइड्रोजन से शुरू हों, जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता जाता है, एटॉमिक मास बढ़ता जाता है, वैसे वैसे एटम जो है उनका मास भी बढ़ता है। ये हम एवरेज बात कर रहे हैं। तो ऑन एवरेज द masses ऑफ एटम्स आर इन द रेंज ऑफ 10⁻⁻⁷ to 10⁻⁻¹⁵ kg इतना है। तो लेकिन ना अगर मैं आपसे कहूं कि आप किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करें और ग्राम को मिलीग्राम में कन्वर्ट करें, यानी ये जो वैल्यू है इसको पहले ग्राम में कन्वर्ट करो, ग्राम से फिर मिलीग्राम में ले जाओ। तो आप क्या करेंगे, इफ यू वांट टू कन्वर्ट किलोग्राम इनटू ग्राम देन मल्टीप्लाई विद 1000, 1000 मीन 10³ अगर आप किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप इस वैल्यू को 1000 से 1000 से मल्टीप्लाई करें। 1000 मीन आप इसको 10³ से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो होगी 10⁻⁻²4 10⁻-22 kg। ये ग्राम में आ गया, तो किलोग्राम से हम किस में आ गए, ग्राम। अब मैं कहता हूं आप ग्राम को मिलीग्राम में कन्वर्ट करें तो अगेन यू विल मल्टीप्लाई विद 10³ आई मीन मल्टीप्लाई विद 1000। अब अगर आप 1000 से मजीद मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मेरे पास हो जाएगा 10⁻-21 और ये मेरे पास हो जाएगा 10⁻-19 मिलीग्राम। तो हमने मैसेज ऑफ एटम्स को लिया किलोग्राम में, फिर हम उसको ग्राम में और फिर हम उसको मिलीग्राम में। किलोग्राम से ग्राम में आते हुए 1000 से और ग्राम से मिलीग्राम में आते अगेन आप 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। स्टूडेंट एटम तो बहुत बहुत छोटा पार्टिकल है, तो फिर हम ये किलोग्राम, ग्राम और मिलीग्राम में उसका मैस कैसे मेजर करें। एक्चुअली आगे जाके हम पढ़ेंगे कि मैसेज ऑफ एटम इसके लिए जो हम यूनिट इस्तेमाल करते हैं वो किलोग्राम, ग्राम और मिलीग्राम नहीं है। इसके बजाय हम जो यूनिट इस्तेमाल करेंगे वो होगा AMU आई मीन एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट। तो द मैसेज ऑफ एटम्स दे आर मेजर्ड इन AMU एटॉमिक मास यूनिट। और ये भी याद रखना है आपने कि 1 AMU दैट इज इक्वल टू 1.66 × 10⁻-27 kg। और इस तरह अगर आप kg को ग्राम में और फिर मिलीग्राम में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप ऊपर वाला प्रोसीजर उसको फॉलो करें। ये कुछ बातें जिसमें हमने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को और फिर बाद में हमने साइजेस और मैसेज ऑफ एटम्स इनकी मदद से एटम के वजूद को साबित करने की कोशिश की। स्टूडेंट एटम का साइज कितना होगा, मैं आपको कुछ बातें बताना चाह रहा हूं ताकि आप रियलाइज कर सकें कि एटम का साइज कितना छोटा है। बॉल पॉइंट लेकर एक ना फुल स्टॉप लगाएं। दिस फुल स्टॉप कंटेन्स 2 मिलियन एटम्स आई मीन दिस फुल स्टॉप कंटेन 20 लाख एटम्स। Similarly, this single drop of water, पानी का एक कतरा, it contains 3 trillion water molecule, 3 खरब वाटर मॉलिक्यूल। और आप जानते हैं कि एक वाटर मॉलिक्यूल में 3 एटम्स है, तो टोटल अ सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर कंटेन्स 9 trillion एटम्स, 9 खरब एटम्स। ये तो मैंने आपको बताया कि एटम कितना अमेजिंगली स्मॉल इन साइज, कितना छोटा है। अब जरा एटम के अंदर जो न्यूक्लियस है वो कितना छोटा है। मैंने आपसे कहा द होल मास ऑफ एटम इज कंसंट्रेटेड, मोस्टली कंसंट्रेटेड इन द न्यूक्लियस। एटम का ज्यादातर मास जो है दैट कंसिस्ट ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन वो न्यूक्लियस के अंदर है, लेकिन एटम का जो न्यूक्लियस है दैट ऑक्युपाई अ वेरी माइन्यूट स्पेस इन एन एटम। अब एटम के अंदर न्यूक्लियस कितनी जगह घेरता है इसका अंदाजा आप इस इमेज से ले सकते। ये सपोज दिस वन इज अ गोल्फ बॉल। अब ये गोल्फ बॉल जो है ना ये यहां पड़ा हुआ है और ये गोल्फ बॉल जितनी स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है उतनी स्पेस एटम के अंदर न्यूक्लियस ऑक्युपाई करता है। अगर इस गोल्फ बॉल को मैं न्यूक्लियस कंसीडर करूं तो ये जो ह्यूज, ये जो जॉइंट स्टेडियम ऑफ फुटबॉल, दिस वन इज द साइज ऑफ एटम। ये एटम। स्टूडेंट आज के इस लेक्चर में हमने एटम के बारे में, उसकी डेफिनेशन और बाद में फिर एविडेंस ऑफ एटम इसके बारे में पढ़ा। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको दुनिया और आखिरत में कामयाबी नसीब फरमाए। अस्सलाम वालेकुम।